नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो हिंसा में मौत के आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। वाराणसी में घायल युवक की मौत हुई है। कल बवाल में भगदड़ के बीच ये घायल हुआ था ये शख्स, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बजरडीहा में ये हंगामा हुआ था जिसमें ये शख्स घायल हुआ था, और उसके बाद जब अस्पताल में इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान इस शख्स ने अपनी जान गंवा दी। तो हिंसा में मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई जख्मी जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है उनकी हालत गंभीर है। और ऐसे में ये खबर मिल रही है कि जो कल बवाल में भगदड़ मची उसमें एक शख्स जो घायल हुआ, इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। ये बड़ी खबर हम आपको बता सकते हैं। हिंसा में जो मौत के आंकड़े हैं उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि वाराणसी में कई लोग हिंसा के दौरान घायल हुए थे और एक शख्स जो गंभीर रूप से जख्मी हुआ था उसका इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। बजरडीहा में हंगामे में बवाल हुआ और काफी देर तक ये हिंसा चली जिसमें कई लोग घायल हुए, लेकिन एक शख्स जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है उस शख्स ने अपनी जान गंवा दी। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, आगजनी देखने को मिली, तोड़फोड़ देखने को मिला, इस बीच वाराणसी में भी काफी भगदड़ मची और इस भगदड़ में एक शख्स घायल हो गया था और इलाज के दौरान उस शख्स ने अपनी जान गंवा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही सोशल मीडिया पर भी टीम निगरानी कर रही है कि कोई भी भड़काऊ भाषण देगा या पोस्ट डालेगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें, यूपी में बड़ा हिंसा की मौत का आंकड़ा। बिजनौर में भी एक और प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है। कल प्रदर्शन में युवक को गोली लगी थी, नेटोरा इलाके में हंगामे के बीच गोली लगी थी। प्रदर्शन के बीच दारोगा की पिस्तल भी गुम हो चुकी है। पहले भी दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसक प्रदर्शन हुआ, ऐसे में कई लोग घायल हुए हैं और जो मौत का आंकड़ा है उसमें अब इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि बिजनौर में भी एक और प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। कल प्रदर्शन के दौरान इस युवक को गोली लगी थी, नेटोरा इलाके में हंगामे के बीच गोली लगी थी इस प्रदर्शनकारी को, जिसकी अब मौत हो चुकी है। आपको बता दें, प्रदर्शन के बीच दारोगा की पिस्तल भी गुम हो चुकी है। पहले भी दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और अब एक और शख्स ने, एक और प्रदर्शनकारी ने अपनी जान गंवा दी। तो कल प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ उसके बाद एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। सरफराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज, जो मौत के आंकड़े हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। देखो दीपिका, ये मेहटौर का एक इलाका है, यहाँ पर जो है जुमे की नमाज के बाद जो है जो उपद्रवी है वो जुलूस की शक्ल में गया और उसके बाद जो है पुलिस पर इन्होंने पथराव किया और पथराव के बाद जो खबर आ रही है निकल के पुलिस ने सामने से गोली मारी है। जो मृतक के परिवार वालों को कहना है उसके बाद जो है सीने में गोली लगने से सुलेमान नाम का जो शख्स है वो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल एसपी की अभी हमारी बात में सही कहना है दीपिका के उसी के दौरान जो है दरोगा की पिस्टल भी जो है वहां गुम हुई है। तो इस पूरे मामले की पूरी रात जो है जांच जारी है, फिलहाल इसके भी नियंत्रण में है। जी सरफराज, फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? क्या अभी भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है वहां पर? बिल्कुल, देखिए कई घंटे तक जो है लगातार वहां पर नेटोर में जो है पथराव चलता रहा और इधर से सामने से जो है जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी होती रही। तो इलाके की जो रात भर जो है गश्त रही है, आ रहे पीएससी वहां पर मौजूद है, भारी फोर्स मौके पर मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर ये झगड़ा हुआ है। तो उस इलाके में और सारे पूरे इलाके में जो है पूरी तरह से जो पुलिस जो है मुस्तैद है। जी दीपिका, चलिए बहुत शुक्रिया सरफराज आपका इस जानकारी के लिए।
तो गुरुवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ और फिर शुक्रवार को बवाल में अब तक करीब 8 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर मिली है। कानपुर, संभल, फिरोजाबाद और मेरठ में एक एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं बिजनौर में भी 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं अभी लखनऊ समेत कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो हैं उसे बंद रखा गया है ताकि किसी भी तरीके के भड़काऊ जो पोस्ट हैं वो वायरल ना हो सके। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। आप अपने इलाके में अपने आसपास देखते आ रहे हैं ऐसी तस्वीर। इस मुद्दे के कई पहलू हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो नागरिकता कानून के विरोध में हैं। विरोध का हक हमें हमारा संविधान देता है, लेकिन एबीपी गंगा एक संवेदनशील चैनल होने के नाते आपको लगातार बता रहा है कि किसी विरोध को कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन जो लोग नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो उस हिंसा का भी समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को अमन आग में झोंक रहे हैं? सड़क पर उतरना ठीक है, नारेबाजी करना भी ठीक है, लेकिन पत्थर फेंकना, तोड़फोड़ करना, आग लगाना, ये कहाँ तक ठीक? हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए आज जो दिन चुना गया था, बीते दिन जो चुना गया था वो जुम्मे का दिन था, पाक दिन था, और कोई भी मजहब ऐसी हिंसा का कभी भी पक्षधर नहीं हो सकता। ये भी तय है कि सैकड़ों हजारों लोगों के प्रदर्शन में हिंसा फैलाने वाले चंद लोग होंगे। तो वो जो 8 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बीते दिन कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला सड़कों पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई और आज भी इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उसे बंद रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की फेक पोस्ट, फेक इंफॉर्मेशन या फिर भड़काऊ भाषण से बचा जा सके। और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी यही अपील कि किसी भी तरीके की भ्रम में ना पड़े। अलीगढ़ हो चाहे अयोध्या, राजधानी लखनऊ, हर तरफ इसी तरीके का माहौल बीते दिन देखने को मिला। पत्थरबाजी, आगाजनी और तोड़फोड़, जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। और यही अपील लगातार की जा रही है कि शांति बनाए रखें, अपनी जो बात है उसे शांतिपूर्वक तरीके से रखें। और इस वक्त कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर हिंसा के बाद एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। कल हुए बवाल को लेकर के 19 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कानपुर में 21,000 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। आपको बता दें सभी लोगों के खिलाफ रसुका के तहत कार्रवाई हुई है। देर रात पुलिस ने 40 आरोपियों को भी पकड़ा है। तो कानपुर में जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ, हिंसा के बाद अब पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। 19 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। कानपुर में 21,000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सभी लोगों के खिलाफ रासुका के तहत ये कार्रवाई हुई है। देर रात पुलिस ने 40 आरोपियों को भी पकड़ा है। प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, जिस तरीके से हिंसा हुई कानपुर में, उसके बाद कानपुर पुलिस काफी एक्शन में नजर आ रही है। जी बिल्कुल है, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरा कल हिंसा का दौर गुजरा है उसके बाद एक्शन में जरूर दिख रही है, जिसके चलते पूरे कानपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और लगभग 21,000 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। तो साफ है कि एक्शन में है। और वहीं अगर बात पूरे प्रकरण की जाए तो रासुका के तहत कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्पात किया गया है, पुलिस के ऊपर हमला किया गया, साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले किया गया। तो काफी जो कल जिस तरह से हिंसा हुई है उसके बाद पूरे एक्शन में, तो वहीं बाबूपुरवा में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बाइकों को आग के हवाले किया गया, साथ ही साथ जो यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, CO हैं, उनके साथ हाथापाई की गई, जिसमें मामूली रूप से चुटैल भी है। तो साफ है कि बाबूपुरवा में 4500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो वहीं 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो साफ है कि पुलिस एक्शन में है। लेकिन अगर फिलहाल वर्तमान की बात की जाए तो जो इंटरनेट सेवा है पूरी तरह से बंद है यहाँ पर, और लगातार जो पुलिस है वो सड़कों पर उतरकर मार्च कर रही, क्योंकि कल अचानक से नवाज अदा करने के बाद जो पद्रवी हैं वो सड़क पर आ गए थे, प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए थे। पुलिस प्रशासन को अंदेशा ही नहीं था कि लोग सड़कों पर आकर इतना बड़ा बवाल करेंगे, जिसके चलते आज पूरी तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैद है और लगातार मार्च कर रही है। जी दीपका। प्रभात, अगर इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो क्या आज इंटरनेट बंद रहेगा कानपुर में?
जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जिस तरह से जो अधिकारी हैं, जो डीएम है, उनका साफ कहना है कि इंटरनेट सेवा जो है उसको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, क्योंकि कल देर दोपहर तक ही इंटरनेट सेवा बंद हो पाई थी, लिहाजा आज जो इंटरनेट है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि जो माहौल है वो अभी पूरी तरह से तनावपूर्ण है। किसी तरह के कोई दोबारा से भड़काऊ बात या कोई पोस्ट या फिर किसी तरह की अफवाह न फैले, जिसके चलते जो इंटरनेट है उसको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। और फिलहाल जो कानपुर की अगर बात की जाए तो स्थिति नियंत्रण हो, लेकिन जो पूरा वो पूरा माहौल है पूरी तरह से लगातार चप्पे चप्पे पर अब मार्च निकाल रही है और लगातार लोगों को जागरूक करें कि जो इससे दूर है वो दूर रहे, क्योंकि पूरे मामले पर अगर किसी तरह की अफवाह फैलती है या फिर से कोई पत्र होता है, पुलिस कोई भी एक्शन लेने में कानूनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। जिसका जो पुलिस का जो कार्यशैली है उसका अंदाजा इसी बात लगाया जा सकता है कि लगभग 21,000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो साफ है कि पुलिस अब एक्शन के मूड में है। जी बहुत शुक्रिया प्रभात आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर में बवाल के बाद अब पुलिस ताबड़तोड़ दबिश भी दे रही है। मुजफ्फरनगर में नागरिकता कानून पर बवाल के चलते एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। यहां अभी इंटरनेट भी बंद है और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। लखनऊ में दंगा भड़काने के मामले में एक पूर्व IPS को भी गिरफ्तार किया गया है। जी हां, इस पूर्व IPS का नाम SR दारापुरी है और इसे लखनऊ में हजरतगंज में DM आवास के पास लोगों को भड़काकर उपद्रव करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और महुआ में पूर्व IPS वजी अहमद और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा भड़काऊ पोस्ट डालने को लेकर के दर्ज हुआ है। वजी अहमद पूर्व में महुआ जिले के कप्तान रह चुके हैं। वजी अहमद पर आरोप है कि उन्होंने जावेद नामक शख्स के ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट डाली थी। पूर्व IPS पर महुआ शहर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो भी शख्स इस तरीके के भड़काऊ भाषण देगा या फिर पोस्ट अपलोड करेगा उसको लेकर के भी सख्ती बरती जा रही है और मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि एक टीम जो कि सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है, जो भी इस तरीके के भड़काऊ पोस्ट डालेगा उस पर सख्त से सख्त और फौरन ही एक्शन भी लिया जाएगा। पूर्व IPS हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्योंकि इन पर आरोप है कि इन्होंने भड़काऊ पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था। जो पढ़े आ रहा हूं। और इस बीच सीतापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिन दहाड़े एक महिला को गोली मारी गई है। महिला से रेप की कोशिश ये आरोपी कर चुका है। पुलिस से भी आरोपी की शिकायत कई बार हुई। एक फैक्ट्री का मालिक है ये आरोपी शख्स। गोली लगने से महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ में घायल महिला का इलाज भी चल रहा है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े एक महिला को गोली मारी जाती है। पुलिस से कई बार इस आरोपी को लेकर के शिकायत भी की गई है। आपको बता दें, ये जो आरोपी है ये कोई मनचला नहीं बल्कि एक फैक्ट्री का मालिक है जिस पर ये आरोप लगाया गया है। गोली लगने से फिलहाल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ में घायल महिला का इलाज भी चल रहा है। रेप की कोशिश भी इस महिला के साथ की गई थी। फिलहाल अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि हरगांव का मामला है। बीती रात में महिला को उसने गोली मारी थी। शाम का समय था, महिला अपनी दोस्त के साथ बाजार जा रही थी। लगातार महिला को फैक्ट्री मालिक परेशान कर रहा था। पुलिस से भी महिला ने शिकायत की थी कि वो लगातार उसको परेशान कर रहा है, रेप करने की कोशिश करने की बात करता है, रेप करने का प्रयास भी कर चुका है। लेकिन बावजूद हरगांव थाने की पुलिस महिला की सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो फैक्ट्री मालिक के साथ खड़ी हुई थी,
शिकायत भी थाने पर की थी, फैक्ट्री मालिक को थाने बुलाया भी गया था, लेकिन बावजूद पुलिस ने उसके ऊंचे रसूख के चलते फैक्ट्री मालिक को पीड़ित महिला के सामने ही थाने से भेज दिया और कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये कि कल शाम को उसने देशी कट्टे से दो गोलियां उस महिला को मारी हैं, जिसकी हालत खराब है, अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। महिला के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है राहुल, क्योंकि पहले भी इस आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई थी पुलिस से। जी, पीड़ित महिला का खुद भी ये कहना है कि वो उसको लगातार परेशान कर रहा था, पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। उसके पीड़ित महिला के जो हस्बैंड से बात हुई उन्होंने भी ये इसी बात को दोहराया कि शिकायत लगातार की गई लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये निकल गया है। पुलिस ने अब इस मामले में महिला का 161 का जो बयान है वो तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी के लिए। और उधर बस्ती में एंटी रोमियो फोर्स एक्शन में है। रोमियो सेल की सब इंस्पेक्टर ने मनचलों को ढूंढकर सरे बाजार में उठक बैठक कराया और वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, ताकि मनचलों में एक खौफ का माहौल बन सके। अभियान के इस दौरान एंटी रोमियो टीम ने 35 मनचलों से माफीनामा भरवाया। टीम ने इस दौरान छात्राओं से बात करके उन्हें एंटी रोमियो के बारे में जागरूक भी किया और छात्राओं को इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 1090 और 112 की भी जानकारी दी। और इस बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो बाइक की आपस में जबरदस्त टक्कर हुई, हादसे में एक महिला की मौत हुई। हरचंदपुर के कछवारा में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें रायबरेली की यह घटना, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो बाइक की आपस में जबरदस्त टक्कर हुई और इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है। हरचंदपुर के कछवारा में यह हादसा हुआ है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम योगी के निर्देश जारी हुए। नागरिकता कानून के विरोध पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया है। आपको बता दें अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों को समझाएं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया। अफवाहों और भ्रम को दूर करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया है। जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि नागरिकता कानून के विरोध पर सीएम ने मंत्रियों को कहा कि वो लोगों को जागरूक करें और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों को समझाएं, उनसे बातचीत करें और किसी भी तरीके के लोगों के मन में जो सवाल हैं और जो शंकाएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करें, अफवाहों और भ्रम को लोगों के मन से दूर करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों को दिए हैं और ये जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बात करें और उन्हें समझाएं। नागरिकता कानून को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश, सीएम ने सभी मंत्रियों को ये कहा कि अपने क्षेत्र में जाकर के जो भी लोगों के मन में डाउट है उसे क्लियर करें, जो भी सवाल है लोगों के मन में उन सवालों का जवाब दें, लोगों को समझाएं और साथ ही लोगों के मन में जो भ्रम है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे बचाने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें, लोगों को ऐसा समझाने की जरूरत है।
और जिस तरीके से आए दिन ठंड में इजाफा हो रहा है, ऐसे में शहर शहर कोहरे का सितम भी लगातार जारी है। हमीरपुर में ठंड से दो लोगों की मौत हुई है, एक बुजुर्ग और एक युवक की ठंड से मौत हुई है। कोहरे की वजह से 17 ट्रेन लेट भी हुई है, यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ठंड में इजाफा होने की वजह से और घने कोहरे की वजह से यहाँ पर 17 ट्रेन लेट हो चुकी हैं और ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर में ठंड से दो लोगों की जान भी चली गई, एक बुजुर्ग और एक युवक की ठंड से मौत हो गई है। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, काफी ज्यादा ठंड है और कोहरे की वजह से भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, फिलहाल क्या तस्वीर है? जी देखिए दीपिका, जाहिर तौर से बात है कि दिल्ली आने वाली विभिन्न इलाकों से जो 17 ट्रेनें हैं वो लेट चल रही, लगभग 2.5 से 3 घंटा 17 ट्रेनें लेट है। इसके अलावा 46 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है, जो दिल्ली आने वाली थी या दिल्ली से जो उड़ान भरने वाली थी उनको डाइवर्ट किया गया है। मैं इस वक्त DND फ्लाईओवर पर हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा एक तस्वीर, जो विजिबिलिटी है वो लगभग 500 मीटर है, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो इसी वजह से कई सारे जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही है, फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली में जो शेल्टर है उसको भी बनाया गया है कई इलाकों में, क्योंकि बहुत से गरीब हैं, बहुत से मरीज हैं जो अपना इलाज कराने के लिए भी आते हैं, वो खुले में ना सोएं, ऐसे में इसके लिए भी खास बंदोबस्त किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। और दिल्ली में जिस प्रकार से अगर बात करें तो पारा लगभग 5 से 6 डिग्री के बीच रह रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन जो दिल्ली आने वाले तमाम मुसाफिर हैं उनको भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेनें जहाँ लेट चल रही हैं, फ्लाइट डाइवर्ट हो रहे हैं, और ठंड की वजह से ही जो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को ऑफिस वगैरह भी पहुँचने में देर हो रहा है। तो जाहिर तौर से बात है कि ठंड अपना जो है असर दिखाने लग गई है दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में, और इस प्रकार से हिमालय में बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल अविनाश, आपके पीछे की तस्वीर भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो जी हां, कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है, और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप ब्रेक के बाद जरूर देखें उत्तराखंड प्राइम। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।